वेलकम बैक फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल। आज का आईपीएल का पहला सेमीफाइनल है दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में, और जो भी टीम मैच जीतेगी वो फाइनल में प्रवेश करेगी, और जो हारेगी उस दोबारा से सेमीफाइनल खेलेगी, जो खेलेगी बेंगलोर के साथ। तो आज का मैच काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। दिल्ली टॉप में रही थी, सेकेंड टॉप में रही थी चेन्नई, तो देखते हैं आज का मैच कौन जीतता है। प्रेडिक्शन तो यही लगा जा रहा है कि दिल्ली डेविल्स, दिल्ली कैपिटल ये मैच जीत सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना क्रिकेट में जब तक लास्ट गेंद ना हो, जब तक लास्ट गेंद ना फेंकी जाए तब तक मैच का रुख किस ओर जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। तो गैस आज की मेरी ड्रीम टीम जो बनने वाली है इस तरह से बनने वाली है। तो लेट स्टार्ट, जाते हैं हम आज के पैसे में। मैच स्टार्ट होगा 7:30 बजे से, 7 बजे लाइनअप आ जाएगा। तो मैं अपनी क्रिकेट टीम कराता हूँ, अपनी टीम बनाता हूँ। तो गाइज ऋषभ पंत और एम एस धोनी, ऋषभ पंत टू डाउन आते हैं खेलने के लिए, आप जानते हैं, और अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छे फॉर्म में हैं। और एम एस धोनी आपके 5वें 6वें नंबर में थे, लेकिन थोड़ा धोनी आउट ऑफ फॉर्म चले। लेकिन हाँ, एक आध दो क्या चाहे एक आध स्टम्पिंग देने से इनकी अपॉइंटमेंट जाए। लेकिन ऋषभ पंत मैं चूज़ करूँगा ऋषभ पंत को, क्योंकि बैटिंग भी अच्छी करते हैं और इनका नंबर भी जल्दी आता है। और एज ए कैप्टन ये दिल्ली के लिए एज ए कैप्टन अभी प्ले कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये आज बेटर परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि टीम ने जीतना है तो फाइनल में पहुंचना ही पड़ेगा। बैटिंग में देखें शिखर धवन ओपनिंग लाते हैं, शिखर धवन पिक कर लेंगे। अगर क्रेडिट का इशू रहेगा तो डुप्लेसी को लेंगे, अगर शुगर रहेगा तो कुछ तो इन दोनों में से एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। गायकवाड़ को लेंगे, गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में है, अच्छे रन बना रहे हैं। बाकी लई अय्यर के साथ में जा सकता हूँ, पृथ्वी शॉ पे नहीं जाऊँगा, क्योंकि पृथ्वी शॉ पिछली बार चल गए, इनका तो हमेशा रिकॉर्ड ही देखा गया है कि ये एक मैच में चलते हैं तो दूसरे मैच में फ्लॉप हो जाते हैं। रैडू पीछे आते हैं, रैना का कोई चांसेस नहीं है, खेलेंगे नहीं खेलेंगे कुछ कह सकते हैं। ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा ऑफकोर्स, डीजे ब्रावो ऑफको, मोइन अली भी आउट ऑफ फॉर्म है, अक्षर पटेल को यहाँ से हम पिक कर लेंगे। बॉलिंग में आवेश खान अच्छी बॉलिंग में, और ये टॉप थ्री में है विकेट में। रवाद आउट ऑफ फॉर्म चल रहे, ठाकुर शार्दुल ठाकुर ने भी अच्छे विकेट्स लिए हैं और अच्छे पॉइंट्स इनने अभी तक बनाए। तो देखिए क्रिकेट का शो आ गया है, तो अब क्रिकेट का शो आ गया तो हमें जडेजा को मिस करना पड़ेगा या फिर हमको धवन और ट्रिपल। तो मैं जडेजा को मिस करूँगा, और जडेजा के बदले में यहाँ पे मैं खिलाऊँगा CSK की ओर से खिलाऊँगा, मैं नॉटजे को यहाँ से खिलाऊँगा। फिर भी 8 पॉइंट का हेरफेर रह रहा है, तो प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। तो ये है मेरी अभी तक की टीम, तो 1 पॉइंट के लिए हो रहा, तो कहीं ना कहीं गाय इन तीनों से कुछ मेरे को मिस करना ही पड़ेगा। तो मैं डुप्लेसी को भी मिस करता हूँ और यहाँ जडेजा को ले लेता हूँ, और फिर यहाँ आके मैं ये है टीम। अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत, शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, आर गायकवाड़, आर जडेजा, ड्रावो, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, नॉटजे। तो मुझे ज़रूरत है एक बैट्समैन की, तो ऑफकोर्स राइडो ही मेरे को एक बेटर ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें, क्योंकि ऑलराउंडर मोइन अली हैं, लेकिन मोइन अली के लिए भी क्रिकेट हालांकि बचा नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू के बाद कैप्टनसी में अगर देखें जाए तो धवन ओपनिंग आते हैं, धवन में मैं थोड़ा लगा सकता हूँ, धवन को एज ए कैप्टन में पिक कर सकता हूँ, और मैं वाइस कैप्टन ले सकता हूँ, लूँगा यहाँ पर डीजे ब्रावो को। तो फिलहाल तो मेरी टीम मेरी लास्ट 11 देखेंगे कौन फ्लिंग 11 में है, कौन आउट है। तो उसमें गाइस तो 7:15 में 7 बजे टॉस हो जाता है, लेकिन 7:10 तक टीम अनाउंसमेंट हो जाती है, तो 7:10 में आप जरूर अपनी टीम को चेंज कर लीजिए। फिलहाल मेरी ड्रीम टीम ये है, स्मॉल लीग के लिए टीम अच्छी है, बाकी ग्रैंड लीग में तो आप जानते हो कि रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो टीम सेव होगी गाइज, बेस्ट ऑफ लक।